हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज देखेंगे मैथ 11 केसी सिन्हा से, और टॉपिक होगा इंटरसेप्ट्स एंड नॉर्मल फॉर्म्स। हम लोग इक्वेशंस में चल रहे हैं, तो इक्वेशंस में जो टर्म्स है इक्वेशन ऑफ लाइंस में, अलग अलग टाइप्स के लाइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से कुछ पीछे हम लोगों ने देखा है। और आज का वही पॉइंट्स है, इंटरसेप्ट्स एंड फॉर्म्स, सॉरी इंटरसेप्ट्स एंड नॉर्मल फॉर्म्स। तो वो क्या होता है उसको हम लोग लेकर चलेंगे, हालांकि इसमें इंटरसेप्ट्स वाला ही होगा, नॉर्मल्स का अगले उसमें करेंगे हम लोग। चलिए तो देखते हैं, ये द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, कहाँ पे? ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। देन इक्वेशंस विल बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। यानी कि कोई लाइन्स ऐसे क्रॉस करती है कि दोनों एक्सेस पे इंटरसेप्ट्स ए और बी निकालती है। इंटरसेप्ट्स क्या होगा वो दिखाएंगे, ए और बी निकालती है, तो उस लाइन का इक्वेशंस एक्स बाई ए और वाई बाई बी इक्वल टू वन होगा, इन दोनों का सम। इसमें एक्स वाई थीम्स वेरिएबल्स है, यानी कि एक्स वाई में ये इक्वेशंस है, और ए और बी ओरिजिन से लेकर लाइन तक की एक्सेस इंटरसेप्ट्स है, यानी कि वो डिस्टेंस है जो ओरिजिन से लेकर एक्स एक्सिस पे जहाँ लाइन कटा है और ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस पे जहाँ पे लाइन कटा है। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग इस पॉइंट्स पे आज समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इंटरसेप्ट्स पे। हालांकि लिखा हुआ इंटरसेप्ट्स एंड नॉर्मल फॉर्म्स, बट आज हम लोग इंटरसेप्ट पे वर्क करेंगे, क्या इंटरसेप्ट्स है और क्या कैसे उसका इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन में आपको दिख ही रहा है कि अगर इंटरसेप्ट्स ए एक्स एक्सिस पे और बी वाई एक्सिस पे कटेगा तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन होगा ये इक्वेशन। तो चलिए इसी पे बात करेंगे, और आप लोगों को याद दिलाते हुए कि जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब किए हैं अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और साथ ही साथ वीडियो पूरा देखें। पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं रहती है, आप आंसर्स स्किप कर कर ले जाएंगे या कहाँ बन रहा है वहाँ देखा फिर आगे बढ़ा लिया। अगर हम कुछ चीज़ें बोल रहे हैं तो जो बोल रहे होंगे वो थोड़ी ना हम भाषण दे रहे होंगे, वो उसी से रिलेटेड बोल रहे होंगे। जो बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती, अब जैसे फिगर बनाएंगे उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखते नहीं हैं, उसको बताया जाता है, वो आपको नोट्स के रूप में बनाना होता है। तो देखेंगे सुनेंगे तभी, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर पूरी तरह हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई मात नहीं दे सकता, इसकी 100% चैलेंज है। और बाकी की चीज़ें हैं, अगर जुड़ेंगे कुछ दिन रहेंगे हमारे साथ और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप खो रहे थे पढ़ने पढ़ाने को। और वीडियो और नोट्स सॉल्यूशंस तो बहुत सारे पड़े हुए हैं ऑनलाइन, लेकिन अगर साथ में हमारे चलिए कुछ दिन, और उसके बाद आपको एहसास होगा कि आप क्या खो रहे थे अगर पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग करते हैं। तो जैसे कि हर बार मैंने कहा है कि मेरा तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान रहता है, क्वेश्चन तो आप भेजेंगे उसका हम सॉल्यूशन देंगे, हर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी 2-4-5 लाकर हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए ऐसा बनता है, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे और अपना क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जब हमको भेजेंगे वो वीडियो पे आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारा थ्योरी बेस फोकस होता है तो कंसेप्ट पे तो हम ध्यान देंगे ही। चलिए इसको पहले हम लोग प्रूव करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एक्सेस हो गया, जो एक्सेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको जीरो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एक्स कहते हैं और वर्टिकल एक्सेस को वाई कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेस हो गया, तो ये तो एक्सेस हो गए दोनों, मतलब कोऑर्डिनेट 2D में हमने दो लाइन्स लिया तो ये एक्सेस बन गए। अब इस पर हमें एक लाइन चाहिए, तो ये देखिए एक लाइन है, हम मान लेते हैं कि ये लाइन इसको ए पे और इसको बी पे काटता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि बताऊंगा कि इंटरसेप्ट क्या होता है।
तो ये ओरिजिन से लेके और ये एक्स एक्सिस पे जो कट आया है, इस डिस्टेंस को ए माना गया है क्वेश्चन के अनुसार। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ए लिखा रहेगा तभी वो इंटरसेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ओरिजिन से बी तक की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, बी लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेप्ट्स है, अगर ऐसा इंटरसेप्ट कटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन इस तरह से बनेगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। तो इसको तो हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हम इस पे एक पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट्स पी और एक्स वाई, इसकी थीम बेस कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। थीम बेस कोऑर्डिनेट्स आप लोग बार बार सुन रहे होंगे, उसका मतलब ये होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल यहाँ लेंगे वो वेरिएबल्स में ही रहेगा, उसी वेरिएबल्स में क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको थीम बेस कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो थीम्स इसलिए थीम उसको कहा जाता है कि जिस पे आधारित कोई भी एक्शन हो उसको थीम कहा जाता है। तो ये थीम बेस कोऑर्डिनेट्स है। अब क्या करेंगे कि इस P से हम एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल देते हैं। सपोज करते हैं कि ये M पे क्या होता है, M पे ड्रॉ करता है, ये M है। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि इसमें जो ये APM होगा वो क्या है, Y एक्सिस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है, तो ये Y एक्सिस का पार्ट्स है, ये है Y, और ये X एक्सिस का पार्ट्स है। तो ये O से लेकर M तक क्या है, ये है X इस कोऑर्डिनेट के अनुसार। तो यहाँ से हम अब ये निकाल लेंगे कि जब हमारे पास इस तरह के मिल गए फॉर्म्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सारी सपोजिशन, जैसे कि अभी मैंने कहा कि पूरी वीडियो आपको क्यों देखना, यहाँ हम लोग सपोज किए वो सारी चीज़ें लिखना पड़ता है कि लेट ए लाइन ए बी विच कट या इंटरसेक्ट द एक्सेस एट ए एंड बी सच डैट ओ ए इज इक्वल टू ए और ओ बी इज इक्वल टू बी। ऑल्सो वी टेक ए पॉइंट पी ऑन लाइन ए बी पी एक्स एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी एम टू ओ ए। इतना लिखना पड़ता है, चूँकि हमारे पास बोर्ड पे जगह कम रहती है, प्रेजेंटेशंस है तो हम बोर्ड पे जगह कम रहती है, तो दूसरा पेज पे हम ले जाएंगे तो बार बार हमको आगे पीछे करना पड़ेगा, और इसलिए हम लिखते कम, आपका जो मेन पॉइंट्स हम वहाँ लिखते हैं, बाकी सब यहीं पे बोला जाता है। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा देखेंगे इसका। आप मान लीजिए कि आपके पास आ गया क्वेश्चन, एग्जाम में जा रहे हैं और क्वेश्चन आ गया कि डिराइव एनी एक्सप्रेशन सच डैट इट रिप्रेजेंट ए इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द एक्सेस, तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें बनाना भी पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप फिगराइज करें उसको, लेकिन जब इसको डिराइव करने के लिए आ जाएगा आपके एग्जाम्स में तो करना पड़ेगा। तो ये जब आप देखे रहेंगे तो लिख लेंगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेंगे, इसके डिस्क्रिप्शंस हो गई। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ए ओ बी इज इक्वल टू बी, साथ में अगर ले ले ओ एम इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे कर दें एन, तो ओ एन ओ एन इज इक्वल टू एम पी, यानी कि पी एम एट दैट इज इक्वल टू वाई। देन हमें जो चाहिए, पी एम तो वाई है, लेकिन एम ए इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा ए है और यहाँ तक एक्स है, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। और यहाँ पे अगर हम ले कि एन बी क्या हो जाएगा, एन बी एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बी माइनस वाई, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि कई तरीक़ों से, अब यहाँ से हमारे पास उसके यूनिट्स मिल गए जो चाहिए, इसके बाद कई तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका लेते हैं दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पी एम ए और बी एन पी, तो इसमें देखें ये परपेंडिकुलर्स है, ये परपेंडिकुलर्स है और ये पैरेलल लाइंस है, तो इसलिए ये एंगल्स, ये एंगल एक्स एक्सिस का पैरेलल है ये, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो एंगल 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 क्या सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एन पी इज सिमिलर ट्रायंगल पी एम एम ए, कैसे, तो बाई ए ए सिमिलरिटी, ठीक है। चलिए अगर ये सिमिलर हो गए तो आप देखिए क्या हो जाएगा, बी एन बाई पी एम इज इक्वल टू एन पी बाई एम ए, डेट इज इक्वल टू बी पी बाई पी ए, तो ये बी पी और पी ए ये वाला टर्म्स है, तो यहाँ हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम ले लें तो बी एन क्या है, बी एन बी एन इजक्वल टू बी बाई बी माइनस वाई, और पी एम पी एम कहाँ है, पी एम इजक्वल टू वैन, तो ये हो जाएगा वाई, दैट इज इक्वल टू एन पी क्या है, एन पी एन पी एक्स है, जैसे ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, ये वाई वाई था तो ये हो जाएगा एक्स बाई क्या है एन पी एक्स, और एम ए है ए माइनस एक्स। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई, और एक्स से करेंगे तो माइनस बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई। और यहाँ पे आप देखें कि अब एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये माइनस है, ये माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए भी मिल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए बी से सारे टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी, और तब हमें मिल जाएगा यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, और ए बी पूरा कैंसिल हो गया, तो ये मिला वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू वन। इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और डेट इज इक्वल टू वन। ये देखिए हमारा इक्वेशंस आ गया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आप हम
ये फिगर बनाएंगे, फिगर में क्या क्या लिया गया है, कैसे कैसे आया है ये लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करके और उसके जो हमें एक्सपेक्टेड पार्ट्स है जिससे हमारा आ सकता है वो पार्ट्स ले लेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी भी हमें नहीं है बीपी और पी ए कि क्या लेंथ होगी, क्या होगा वो, कैसा, ये हमारे जानकारी में नहीं है और उसकी ज़रूरत भी हमें नहीं है। किसी दो पार्ट्स को लेते हैं और ये हो जाता है। इसके अलावा और भी टर्म्स है जिसके तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, और वो है कि अगर ये बी से यहाँ पे इसकी पूरी लेंथ है वो बी है, तो इस बी का क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो बी, और ये पूरा ए है तो ए का क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएगा, ए जीरो, ठीक है। अगर इसको प्रूफ करना है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, चूँकि लाइन का इक्वेशन से कहा गया है कि एक लाइन है जो कि उसको काट रहा है, तो इससे तीन पॉइंट्स इस पे है और तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो भी और कोलिनियर कब हो गए, जब उनसे बने हुए ट्रायंगल्स का सम क्या होगा, ट्रायंगल्स के एरिया क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी ए इज इक्वल टू हाफ, और ये हो जाएगा जीरो, तो वाई माइनस जीरो, जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस जीरो, और दूसरा एक्स लेंगे प्लस एक्स, तो जीरो माइनस बी प्लस ए लेंगे तो बी माइनस वाई, ठीक है, और इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो गया तो ये वाला पॉइंट्स जीरो आकर हो जाएगा, तो यहाँ ये भी जीरो है, तो बच क्या जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स बी, माइनस एक्स बी, और यहाँ प्लस ए बी और माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, जो कि देखिए यहाँ मिला हुआ था, ये टर्म्स कट गए थे और ये मिला हुआ था, ये टर्म्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को ये ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, और ए बी से डिवाइड कर देंगे तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपको इतना सारी चीज़ें नहीं करना है तो इन तीनों का पॉइंट्स निकाल लेंगे क्वाड्रेंट्स, और उस क्वाड्रेंट से उस ट्रायंगल्स की एरिया को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जो कि जीरो करने पे जो सॉल्यूशंस मिलेगा, जो एक्सप्रेशंस मिलेगा, वो लाइंस की इक्वेशन हो जाएगा। तो ये तरीके है इसको करने के लिए, या फिर इन दोनों पॉइंट्स होकर जाने वाले लाइंस को लेकर और एक्स वाई से लेकर बनाएंगे, और ऑल्सो वो पास करता है बी से, जीरो बी से, या एक्स वाई और बी से ले गए दो लाइंस और ऑल्सो पास करता है ए जीरो से, ये सब भी पुट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो तरीका बहुत है, लेकिन जनरल ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ये दोनों को सिमिलर करके ट्रायंगल्स को, या फिर वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं एरिया जीरो करके, आपको जिससे सूटेबल लगे उससे आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको फिर से इन्फॉर्म कर दें कि आपके क्वेश्चंस मेरे जवाब, ये कार्यक्रम चल रहा है अभी कब तक, आपके एग्ज़ाम तक चलेगा, तो आप इसको फॉलो करें, हमें हमारे कई सारे वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले है, उस पर फोटो खींचिए, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है हमको भेजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, 100% आपके मैथ तो मैं कंप्लीट करवा दूँगा, इसकी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट, अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में आप देखें कि यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड कॉट्स ऑफ
इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस। पहले ही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा हमें माइंड्स भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, और क्वेश्चंस क्या आता है ये हमको पता नहीं होता है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि रट्टा मार के यहाँ कुछ नहीं चलाया जाता है। जो क्वेश्चन रेंडमली सेलेक्ट हुआ आ गया है बोर्ड पे आएगा, उसको हम लोग करेंगे। चलिए, आ गया यही तो यही पहले करेंगे। तो इसमें क्या है कि पहले तो हमें पास इस पॉइंट से ये पास करता है और इक्वल बट अपोजिट इंटरसेप्ट इक्वल बट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट केवल पॉजिटिव दोनों इंटरसेप्ट हो, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन जो होना चाहिए ये होना चाहिए, ये हो गया y, और ये पॉइंट्स b ले लें और ये पॉइंट्स a ले लें, तो ये b इंटरसेप्ट पॉजिटिव में रहेगा और ये a इंटरसेप्ट पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि x एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव होता है और y एक्सिस से राइट में x पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सिंस दूसरा टर्म्स जो दिया हुआ है a, सिंस a एंड b आर पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड a इज इक्वल टू b, बाय यूजिंग इक्वेशंस इक्वेशंस ऑफ लाइन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। अब ले लेते हैं कि ये क्या है, ये इक्वेशंस यूज करना है, उसमें दिया हुआ है a बाई b। ठीक है, तो ये हो जाएगा डैट गेप्स एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और बी नहीं ए ले लेते हैं, और एक्स बाई बी प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए की जगह बी रखे है, चाहे बी की जगह ए रखे, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और x प्लस वाई इज इक्वल टू बी, दोनों में से कोई लेंगे तो हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि बट दिस लाइन पासेस थ्रू 3 and 4, therefore 3 plus 4 is equal to a, or 3 plus 4 is equal to b, that gives a is equal to 7 or b is equal to 7, but both are equal, that gives a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 7, डैट गिव्स एक्स बाई 7 प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू 1, डैट गिव्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो कोई भी क्वेश्चंस होगा, कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होगा, क्वेश्चंस कभी नहीं फंसेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड व्हिच इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज डबल ऑफ द y एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए,
ये नहीं दिया है कि वो निगेटिव है पॉजिटिव है कि कैसा है, ठीक है। तो कई तरह के सिचुएशन आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव। वो कैसे बनेंगे ये सिचुएशन सारे, तो ये देखिए, अगर यहाँ पे लाइन्स रहा तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, यहाँ पे वो लाइन आया तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, अगर वो लाइन्स यहाँ पे आया तो ए नेगेटिव बी नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो वो लाइन्स कहाँ दिया गया है, इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो ये चारों लाइन्स हमारा हो सकता है, ठीक है। बट कंडीशन गिवेन है, गिवेन ए इज इक्वल टू टू बी, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस के डबल है, ठीक है। तो ये कंडीशंस बाद में पूरा किया जा सकता है, कि जैसे कि ये हो जाएगा कि अगर फर्स्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, सेकंड में होगा तो माइनस ए इज इक्वल टू टू बी, थर्ड में होगा तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टू बी, और यहाँ से मिल जाएगा ए इज इक्वल टू टू बी, और फोर्थ में होगा तो ए इज इक्वल टू माइनस टू बी, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस इक्वल टू टू बी, यानी कि दो ही सिचुएशन आएगा, ए इज इक्वल टू टू बी या ए इज इक्वल टू माइनस टू बी, ठीक है। दोनों यही दोनों सिचुएशंस आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि बाई इक्वेशन कौन सा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, बट लाइन पासेस थ्रू टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, एंड दैट गिव्स टू बाई ए प्लस वाई बाई थ्री बाई बी इज इक्वल टू वन। अब ये तो जब पुट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा टू बाई टू बी प्लस थ्री बाई बी इज इक्वल टू वन, और ए इज इक्वल टू टू बी था, और टू बाई माइनस टू बी प्लस थ्री बाई बी इज इक्वल टू वन, ये कंडीशंस आएंगे। तो चलिए इस कंडीशंस को फॉलो करने के लिए, या फिर ऐसा भी आएगा कि यहाँ भी माइनस हो सकता है, दो ही का निकालते हैं हम लोग, तो इस कंडीशंस को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो ये मिल जाएगा कि यहाँ टू बी हो जाएगा, और टू बी से डिवाइड है तो टू, और प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन, डैट गिव्स बी इज इक्वल टू एट बाई टू, यानी कि फोर, ठीक है। ये आ गया फोर, डैट गिव्स ए इज इक्वल टू टू, क्योंकि ए इज इक्वल टू टू बी है। तो अब ये कंडीशंस क्या होगा, तो ए एंड बी दे आर फोर, ए बी इज इक्वल टू टू फोर और माइनस टू फोर और माइनस टू माइनस फोर और टू माइनस फोर। तो ये इक्वेशंस भी इसी तरह के होने वाले हैं, डैट गिव्स एक्स बाई टू प्लस वाई बाई फोर इक्वल टू वन, और
एक्स बाई माइनस टू प्लस वाई बाई फोर इक्वल टू वन, और एक्स बाई माइनस टू प्लस वाई बाई माइनस फोर इज इक्वल टू वन, और एक्स बाई टू प्लस वाई बाई माइनस फोर इज इक्वल टू वन। तो ये चार इक्वेशंस आपके बनने वाले हैं, सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं क्या क्या मिलेगा। वो तो वो मिलेगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब चार से डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर पहला, और जब यहाँ करेंगे तो माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, और जब यहाँ करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, और जब यहाँ करेंगे तो ये क्या हो गया है, ये माइनस में फोर था तो ये हो जाएगा, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। तो ये चारों में से कोई इक्वेशन लेंगे इसको वो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो हम कंडीशंस लेंगे, और अगर दिया रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं, जैसे पहले वाले में दिया था कि इक्वल होगा बट पॉजिटिव डायरेक्शंस में होगा तो वो एक ही डायरेक्शन होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन करेगा तो ये दो होगा, लेकिन सिमिलर डायरेक्शंस में पॉजिटिव या निगेटिव तो वो एक ही होगा। तो इस तरह से कंसेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 3-4 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेक्ट्स इक्वल बट अपोजिट साइन, इक्वल बट अपोजिट साइंस। तो ये देखिए वो कहाँ कहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे अपोजिट साइन होगा और यहाँ पे अपोजिट साइन होगा। यहाँ पे ए माइनस में रहेगा और बी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव रहेगा और बी निगेटिव रहेगा। तो ये कंडीशन आएगी जो अपोजिट साइंस को होगा, लेकिन ये दिया हुआ है, गिवन है, गिवन ए इज इक्वल टू बी और दोनों अपोजिट साइन में है, तो ये भी हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस बनेगा, लेकिन पहले हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। इसको ऐसा ले सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू वन, और एक्स बाई बी प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। और ये अपोजिट साइंस में है, यूजिंग साइन ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई माइनस ए इज इक्वल टू वन, और एक्स बाई बी प्लस माइनस बी प्लस वाई बाई बी, कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमें मिल सकता है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए या बी, ठीक है, इस तरह से मिल सकता है। ऑल्सो इट पासेस थ्रू 3-4 देन, अब क्या हो जाएगा ये, देन
ये आया है एक्स माइनस वाई यानी कि थ्री माइनस माइनस प्लस फोर इज इक्वल टू ए और माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस प्लस था माइनस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू बी। तो ये हो सकता है ए इज इक्वल टू सेवन बी इज इक्वल टू माइनस सेवन या ए इज इक्वल टू सेवन माइनस सेवन और बी इज इक्वल टू सेवन। तो इस कंडीशंस में रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन और एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस सेवन, ये आपका इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, जब इस तरह का इक्वेशंस आपका आएगा तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो जाएगा और ये आपका आंसर्स हो गया। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है, बाकी तो सब अपने आप बनते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेप्ट पासेस ऑन द एक्सेस आर ट्वाइस इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ दिस इंटरसेप्ट्स। कहता है कि ये उस लाइन के इक्वेशन फाइंड करे जिसके एक्सेस जो हो ना इस लाइन के एक्सेस के डबल हो। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन की एक्सेस को निकालेंगे और ये लाइन जो है इसकी एक्सेस हम कैसे निकालेंगे। तो हम पहले ले लेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट्स। ठीक है, क्या होता है वो होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी डेट इज इक्वल टू वन। ठीक है, गिवेन इक्वेशंस क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू सिक्स। इसको भी इसी फॉर्म्स में, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो और इसको इस फॉर्म में करेंगे तो सिक्स ला कर इधर डिवाइड कर देते हैं, 3x बाई सिक्स प्लस 4y बाई सिक्स इज इक्वल टू सिक्स बाई सिक्स। तो ये हो जाएगा, थ्री से कट जाएगा तो x बाई टू प्लस वाई बाई टू बाई थ्री है तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू इज इक्वल टू वन इक्वेशन टू। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड्स को हम अगर कंपेयर करें कंपेयर वन एंड टू वी गेट क्या पाएंगे हम, ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू थ्री बाई टू। ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, बाकी सिमिलर टर्म्स है। ठीक है, तो ये जो गिवेन इक्वेशन है उसके इंटरसेप्ट है और वो कहता है कि जो इनके इंटरसेप्ट आएंगे उसके डबल होंगे जो निकालने वाले हैं उनके इंटरसेप्ट, यानी कि ट्वाइस ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ले लेंगे कि हैंस रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट्स आर ए इज इक्वल टू टू इंटू टू फोर और बी इज इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू टू इज इक्वल टू थ्री। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन
इज इक्वल टू क्या हो जाए, इज क्या हो जाएगा, एक्स बाई फोर प्लस वाई बाई बी कितना आया, थ्री, डैट इज इक्वल टू वन, डैट गिव्स थ्री एक्स प्लस फोर, फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। तो ये हमारा हो जाएगा कैसेस रिक्वायर्ड इक्वेशंस, यानी कि जो गिवेन इक्वेशंस है उनके इंटरसेप्ट से जो हमें इक्वेशन बनाने हैं उसके इंटरसेप्ट डबल है, तो क्या करेंगे, जो गिवेन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म्स में लाकर कंपेयर करके इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे ए और बी, और उसको डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद फिर उस इंटरसेप्ट के द्वारा इक्वेशन बना लेंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और इसमें कहता है कि फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1-3 और 3-4 सॉरी 4-5। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, पहले जो पीछे हम लोग टू पॉइंट्स से इक्वेशन बनाए हैं उससे इस इक्वेशन को बना लेंगे। तो ये ले लेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन बाय गिवन टू पॉइंट इज क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के टर्म्स में लेना है तो y माइनस एक्स वन ले तो माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई टू, वाई टू की जगह क्या है, वाई टू की जगह है फाइव, तो फाइव माइनस और माइनस थ्री डिवाइडेड एक्स टू माइनस एक्स वन फोर माइनस वन, और यहाँ एक्स माइनस एक्स वन वन, तो ये हो जाएगा वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री और फाइव, एट बाई थ्री एक्स माइनस वन। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री थ्री जा थ्री वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू एट एक्स, एट एक्स माइनस एट सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा एट एक्स माइनस एट, और इसको उधर ले चलेंगे तो माइनस थ्री वाई माइनस नाइन डैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, या फिर इसको ले सकते हैं एट एक्स बाई सॉरी बाई नहीं माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू, ये एट और माइनस नाइन, माइनस एट और माइनस नाइन सेवेंटीन हो जाएगा, और इसको फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई सेवेंटीन बाई एट प्लस वाई बाई सेवन माइनस सेवेंटीन बाई थ्री इज इक्वल टू वन, सेवेंटी को लाकर इधर डिवाइड कर दिया गया और इसको प्लस साइन में किया गया क्योंकि इसको इक्वेशन वन लिया, और जनरल इक्वेशन क्या होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसी तरह क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, कंपेयर
वन एंड टू, देखिए यहाँ एक्स वाई वन, एक्स वाई वन इक्वल है तो कंपेयर्ड क्या होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ए इज इक्वल टू 17/8 और बी इज इक्वल टू -17/3, ये क्या हो जाएगा आंसर्स। तो इस तरह से हम इंटरसेप्ट्स से इक्वेशन बना सकते हैं और इक्वेशन से इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टर्म्स जो आपका है इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट्स, जिससे हम इक्वेशन बना रहे हैं स्ट्रेट लाइंस की, आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो गाइस, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। आप शायद ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो देखे कई जगह होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं लिख रहे हैं, और नहीं लिख रहे हैं का मैंने कारण बताया कि भाई इसमें संभव नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें लिखने लगेंगे तो बहुत सारे पेज चाहिए, पेज इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा बढ़ता घटता इसमें पेज नहीं है, तो इसलिए हमें हमारे पास वो प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कहाँ कैसे हम लोग जो बना रहे हैं फिगर वहाँ पे क्या लिखना है कर रहे हैं, तो ये सारा इतने शॉर्ट्स में नहीं करना है, यूज करना है तो वो जो लिखना है। तो इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमें बोलिए, उस किस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस में आया है उस क्वेश्चंस में एक पूरी तरह से हम आपको 2-3 पेज में करके दिखा देंगे और पूरा वो इसी तरह लिखना है या आप समझ जाएंगे। अन्यथा मैं तो ये समझता हूँ कि आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं तो नेचुरली आप ये सारी चीज़ें खुद से कर लेते होंगे, कहीं कहीं आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स आती होगी वो पूछेंगे हम बता देंगे, लेकिन अगर ये पूरी तरह से आप डिस्क्राइब करके लिख नहीं पाते हैं पूरी तरह से जैसे कि हम एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं, अगर नहीं लिख पाते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके भेजिए, उस पर भी आपको 1-2 क्वेश्चंस में करके दिखा दिया जाएगा ताकि आप लिखना सीख जाएंगे। यानी कि जितना भी सीखने की चीज़ है वो सारी चीज़ें आप हमें शेयर कीजिए, बिल्कुल हम आपके लिए तैयार बैठे हैं, आपको 0 से लेकर टॉप तक हर पॉइंट्स को समझाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ना पड़ेगा। आप खुद जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ग्रुप बनाइए और हमसे जितने भी सवाल करने हैं कीजिए, क्योंकि अभी का जो ये सीरीज चल रहा है ये है कि क्वेश्चंस आपका आंसर्स हमारा दोनों मिलके करेंगे क्लियर, ठीक है। तो इसी थीम के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।